देखिए, ये हमारा मंत्र है। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं करते हैं। आप हर निर्णय में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के निर्णय में भी आपने देखा होगा, आज कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है कि हर कार्यकर्ता को किसी को भी कभी भी कोई भी पद मिल सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक ही मंत्र रखा है कि द्वार द्वार जाओ, लाभार्थी को उसका लाभ पूरी तरह मिला कि नहीं ये पता करो, अगर कोई बचा है तो उसके पास जाओ। हम 4 करोड़ घर दे करके संतुष्ट नहीं है, हमें 4 करोड़ से आगे भी कोई अगर बेछत है तो हमको छत देना है। और ये सब कुछ करते हुए उनका एकमात्र उद्देश्य है महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, गरीबों को, इस 4 वर्गीकरण में बांट करके देखो और जो भी हम कर सकते हैं उनके दरवाजे खड़े होकर के करेंगे। और मुझे लगता है कि अपने आप में ये देश को इतना विश्वास दे दिया है, जो कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में लोगों को विस्मृत, आश्चर्यचकित कर दिया है, लेकिन वो मोदी जी का मंत्र है और मोदी की गारंटी पे अब लोगों को विश्वास। सर, इंडी ब्लॉक की तरफ से खड़गे जी का नाम जो है आगे आया है एज अ पीएम कैंडिडेट, ऐसे में जेडीयू के एमएलए हैं गोपाल मंडल, उनका कहना है कि कौन है खड़गे, खड़गे हैं, हम किसी को नहीं जानते, और उनका जो मत है वो नीतीश कुमार के लिए है। तो बेसिकली इंडी ब्लॉक में भी नीतीश कुमार और खड़गे के बीच में जो क्लैश चल रहा है उसे कैसे देखिए? देखिए, वो मंडल साहब को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि खड़गे जी है डमी, चलाएंगी मम्मी। अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए पूरा इतिहास। कांग्रेस हमेशा ऐसे व्यक्ति को ही आगे करती है जो डमी हो, जिसका पन्ना कभी भी फाड़ा जा सके, जिसको कभी भी अपमानित किया जा सके। तो हम तो जब कह रहे हैं तो लोगों को दृश्य याद आएगा। तो यहां भी खड़गे जी, हम खड़गे जी का सम्मान करते हैं, लेकिन खड़गे जी सिर्फ और सिर्फ उस परिवार के डमी है, इसलिए उनको आगे करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस दिन नाम आया, राहुल गांधी जी के चेहरे पे भी हवाइयां उड़ते दिख रही थी। सो हमारा मानना है कि ये जो अलायंस है, ये आपस में ही इनकी कुश्ती चल रही है, आपस में ही एक दूसरे को अपमानित भी कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को पटकनी भी दे रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, आपने अभी मेडिसिन को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में जो मेडिसिन को लेकर स्कैम चल रहा है, उस पर आपने क्वेश्चन करा, अब आपकी डिमांड क्या है? देखिए, हम सन्न हैं, हम शॉक्ड हैं। अभी तक तो हमको लगता था कि अरविंद केजरीवाल का करेक्टर नकली है, इनके वादे नकली हैं, इनकी बातें नकली हैं। अब पता चला कि इनके सरकार में इनकी दवाइयां भी नकली हैं। 5-5 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं और वो 5 कंपनियां इनकी बड़ी दोस्त हैं, उनके साथ इनका बहुत अच्छा डील है। तो मैं समझता हूं कि ये पता चलने के बाद एक जांच होनी चाहिए और हमारा मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री को, जो दिल्ली सरकार के हैं, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, क्योंकि आप विपस्सना में हैं तो वहां भी तो ये देख सकते हैं ना कि कितना बड़ा अपराध दिल्ली